डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है रोशनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज है 1 अगस्त और अभी हम जा रहे हैं गांव में, मतलब थापन में, क्योंकि वहां पे किसी की रिटायरमेंट पार्टी है। तो मुझे भी नहीं पता किसकी है, मतलब गांव में अभी मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ किसी को। और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी अभी हम घास लेके आए हैं घर, तो मम्मी तो अभी आए नहीं है क्योंकि एक एक आदमी को एक बुलावा है गाँव में, तो इसलिए मैं जा रही हूँ आज। तो मम्मी तो अभी खेत में ही थे लेकिन मैं जल्दी आ गई क्योंकि अगल बगल के बाकी लोग भी जा रहे थे, तो फिर मैं थोड़ा सा जल्दी निकल गई। और अभी हम पहुँचने वाले रोड में आ चुकी हूँ पार्टी से वापस घर की तरफ। अभी बैठी हूँ रास्ते में और जल्दी आना पड़ा मुझे इन महाशय की वजह से, क्योंकि जैसे हम पार्टी में पहुँचे ना गांव में, ये पता नहीं कहाँ से पहुँच गया वहाँ पीछे पीछे, और वहाँ इतनी भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। गांव के जितने कुत्ते थे सब इस पे भिड़ गए, तो फिर बड़ी मुश्किल से तो इसको बचाया। फिर जो बाकी लोग थे इधर उधर, फिर उनको भी मतलब काटने का डर था, तो इसलिए मैंने फिर इसको जैसे तैसे किनारे रखा और जल्दी जल्दी खाना खा के फिर इसको लेके घर आ रही हूँ अभी। और हमारे इधर के अभी कोई भी घर नहीं आया, कुछ लोग खा रहे थे खाना और कुछ लोग बैठे हुए थे अभी, तो फिर मैं अकेले आ रही हूँ इसके साथ। टोनू क्यों लड़ रहा था तू हैं, क्यों लड़ रहा था? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है नया दिन और दिन की शुरुआत हो चुकी है बहुत सारे कामों के साथ। तो हम घास लेके आ चुके हैं और नाश्ता वगैरह किया है अभी, तो अभी 11 बज चुके हैं और बाकी जो भी काम होते हैं घर के, मतलब छोटे मोटे, वो सारे निपटा दिए। और आज इतनी भयंकर धूप आई हुई है ना, ये पीछे देख सकते हो, आज मौसम पूरा साफ है, बहुत तेज़ धूप है। हमारी हो रही है लंच बनाने की तैयारी और आज मैं बनाने वाली हूँ चटनी, वो भी हरे टमाटरों की, और बाकी पुदीना, मिर्च और प्याज वगैरह जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं घर पे, घर की चीज़ें, तो सारी चीज़ें मैं डालने वाली हूँ। तो हरे टमाटरों की चटनी बनाऊँगी आज, कल भी बनाई थी मैंने, बहुत टेस्ट की थी, तो आज फिर दोबारा बना रही हूँ। तो ये पीछे जो टमाटर की बेलें थी इनसे मैंने अभी इतने टमाटर निकाले, हरे टमाटर, और अभी मैं थोड़ा सा पुदीना भी लगा रही हूँ साइड में, तो चलिए वहाँ चलते हैं, पुदीना ले जाते हैं पहले। और गाइज, आजकल अनार भी काफ़ी सारे लग गए हैं, ये देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा बड़े तो हो नहीं रहे हैं, इतने इतने ही हो रहे हैं और हल्के हल्के पकने शुरू हो चुके हैं। ये इस साल काफ़ी अनार लगे हुए इस पर, लेकिन जो ये वाला दूसरा पेड़ है ना, इस पर सारे अनार ख़राब हो गए, पता नहीं कैसे सारे झड़ गए सड़के, और इस पे लगे हुए हैं अभी बहुत सारे। तो अगर ये भी ठीक ठाक हो जाएंगे तो काफ़ी हो जाएंगे। इधर साइड भी है, देखिए ये है हमारी लौकी की बेल, एक बेल ये है और एक ये है और दो ऊपर है। तो इस साल कद्दू भी बोए थे लेकिन कद्दू की बेलें ज़्यादा अच्छी हुई नहीं है इस बार, पता नहीं क्यों, इस बार बस लौकी की बेलें ठीक ठाक हो रही हैं अभी। और यहाँ पे एक छोटी सी लौकी भी लगी हुई है, 2-3 दिन में खाने के लिए हो जाएगी ये, अभी तो बहुत सॉफ्ट है। पुदीना है ना, वो सारा इन बेलों के अंदर छुप गया, दिख ही नहीं रहा, ये कुछ दिख रहा है ये वाला, पता ही नहीं चल रहा अंदर कहाँ चला गया। कुछ कुछ तो दिख रहे हैं पत्ते, ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा अब।
पूरी है ना, तो ज़्यादा मिला नहीं, इतना ही मिला है, तो इतना भी काफ़ी हो जाएगा आज की चटनी के लिए। बाकी कल थोड़ा सा ऐसे और ढूंढेंगे, क्योंकि इसमें अभी और मिर्च डालनी है, प्याज डालना है, तो आज के लिए बहुत हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं खेत में मिर्च निकालने के लिए, हरी मिर्चें आजकल बहुत सारी हो रखी है, हरी मिर्चें, तो फिर अभी वो निकालते हैं। तो गाइज़, जैसे हमारे यहाँ कभी कोई चीज़ नहीं होती है, मतलब जैसे इस बार कद्दू ज़्यादा नहीं हुए, तो हम बोलते हैं कि इस बार कद्दू का समा नहीं है। वैसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं हो रहे, तो कहीं नहीं होंगे, लेकिन जैसे पिछले साल हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा कद्दू हुए थे, पिछले साल लौकी नहीं हुई थी, बस 3-4 ही लगी थी, लेकिन इस बार लौकी के जो पौधे हैं, जो बेलें हैं, वो अच्छी हो रखी हैं, और कद्दू अभी तक लगे नहीं हैं बिल्कुल भी। तो इस बार मुझे लग रहा है कद्दू का समा नहीं है हमारे यहाँ, लौकी का है। तो देखते हैं कितनी लौकियाँ खाते हैं हम इस साल। अभी मैं आई हूँ मिर्च निकालने, और ये देखिए आजकल कितनी सारी मिर्चें लगी हुई हैं, सारे मिर्च के पौधों में मिर्च। मम्मी ने आज सारे आलू की क्यारी साफ कर दी है, आलू तो इसमें वैसे ही हैं अभी कुछ इधर साइड, सिर्फ पौधे काटे हैं ऊपर के, जड़ें वैसी हैं। ये देखिए इतना सारा कबाड़। तो आज की जो टमाटर की चटनी बन रही है, वो स्पेशली पापा जी के लिए बन रही है, यानी कि मेरे ससुर जी, हमारे पापा जी आए हैं घर जॉब से, PDS अपने जॉब करते हो, तो आज के ब्लॉग में तो आ नहीं पाए, तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी पापा जी को मिलाने का आपसे। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए पुदीना, प्याज, टमाटर और मिर्च, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे बाद में। तो इतने ही सारे टमाटर नहीं चाहिए हमको, बस 6-7 चाहिए बड़े बड़े साइज़ के। तो इनको हम ऐसे कच्चे नहीं डालेंगे, इनको हम पहले थोड़ा सा पकाएंगे और उसके बाद छील के डालेंगे, तो फिर वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और मिर्चें भी 4-5 ही डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी हो गई हैं आजकल। तो बस अब बनाते हैं हम चटनी। टमाटर पका के छील लिए हैं मैंने, और प्याज काट के इसमें डाल दिया, अब पुदीने को भी थोड़ा सा काट के इसमें डाल देते हैं, और सारी चीज़ें मैं इस पे पीसूंगी। मैं चटनी मिक्सी पे ही बना रही हूँ, क्योंकि सिलबट्टे में आजकल ये टमाटर बहुत ज़्यादा जूसी हैं, तो इनसे पूरा जूस ऐसे वेस्ट हो जाएगा उसमें, तो इसलिए इसमें बनाना सेफ है। तो गाइज, हमारा लंच हो चुका है और मम्मी लोग चले गए रेस्ट करने। तो कैसी लगी आपको आज की टमाटर की और पुदीने की चटनी की रेसिपी, प्लीज़ कमेंट में बताना, और अपने घर पे भी ज़रूर ट्राई करना। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।